हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी भाषा का ट्रांसलेट आप जो भी भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो उसमें कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उर्दू के जो वर्ड होते हैं उसको आप हिंदी में किस तरह से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, यानी ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप उर्दू आपको नहीं आता है लिखना, और कहीं पे आप कोई चिट्ठी या फिर कोई संदेश, कुछ मैसेज में अगर उर्दू लिखा हुआ है और अगर आप चाहते हैं उसको पढ़ना, आपको नहीं आ रहा है क्योंकि आपको उर्दू नहीं आती है, तो आपको इस तरह ऐसे में क्या करना है दोस्तों, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है और फिर उसको आसानी से पढ़ लेना है। तो उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल है ये सब करना। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो है उर्दू में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है मुझे तो पता नहीं है कि क्या है, मुझे उर्दू नहीं आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ उसको जानना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के इस काले बटन को दबाकर नीला जरूर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस बगल वाले घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है इसके लिए, एक प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या फिर दोस्तों आपको मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर इसको पढ़ना है ये क्या लिखा हुआ है, इसके लिए आपको इस पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ से इस संदेश को, इस मैसेज को कॉपी कर लेना है। तो ये कॉपी हो चुका है, और कॉपी होने के बाद दोस्तों अब आपको जाना है उस एप्लीकेशन में जो मैं आपको बताया, उसका नाम है ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट जो है वो ऐसा आपको दिखाई देगा, आप जो भी परमिशन है उसको दे दोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस कोने में आपको दिखाई देगा लैंग्वेज, और इस कोने में भी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारी लैंग्वेज आपके सामने आ जाएगी, तो वहाँ से आपको उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको उर्दू से किस भाषा में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, तो उसको वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ हिंदी में कर लिया, यानी उर्दू से हिंदी हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उस संदेश को, उस मैसेज को पेस्ट कर देना है। अब ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, और इसका मतलब जो है नीचे दिया गया है, यानी इसका मतलब है दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे गांव में अमन और शांति बनाए रखे। तो इसका मतलब कितना साफ और सुंदर था जो कि उसमें लिखा गया था, हमें मतलब का मालूम नहीं था क्या लिखा था, लेकिन अब हिंदी में हमें समझ में आ गया है। तो अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं इस तरह का कुछ, किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करना, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही आपका मददगार साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।